कोई देरी नहीं हो रही है, ये बीजेपी वाले जानबूझ करके इसको फैला रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में उनको 7 दिन लगे थे, महाराष्ट्र में 9 दिन लगे थे। तो हमने तो नहीं कहा आप देरी क्यों कर रहे हो, ये अनावश्यक रूप से ये बातें फैला रहे हैं, ये प्रक्रिया चलती है, पर्यवेक्षक जाते हैं राज्यों में, उसके बाद में मास्टर से डिस्कशन करते हैं, फिर वहाँ पर आके बात करते हैं। जब इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है, किसी राज्य के तकदीर का फैसला हो, वहाँ पर अगर सोच समझ के फैसला होता है तो उसमें अनुचित क्या है, क्यों इस प्रकार के ये सवाल मीडिया में उछाल रहे हैं बीजेपी के लोग, क्योंकि उनके पास कहना कुछ है नहीं तो जानबूझ के ऐसी बातें वो कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आम जनता इसको पसंद नहीं कर रही, ये टाइम लगता है और लगना भी चाहिए, सोच समझ के फैसला होना, इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है उसमें स्वाभाविक है कुछ वक्त लगता है। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी को कम से कम ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, जो कि 7 दिन लगाए यूपी में, 9 दिन लगाए महाराष्ट्र के अंदर। तो इस प्रकार की बातें करके ये अपनी उपलब्धियाँ बताने की बजाय ये हर वक्त कांग्रेस ही बात करते हैं। राजस्थान में तो 70 दिन तक इनका बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बना पाए लोग, और जिसको घोषित किया था अमित शाह जी ने, उसको वसुंधरा जी ने स्वीकार नहीं किया, पूरी कैबिनेट में भेज दी, बैठे रहे, फैसला बदलवाया, ये किस मुंह से ऐसी बातें करते हैं।